ORoP 3 के ऊपर चांदी चांदी हो गई पेंशनर्स की। जी हाँ, ORoP 3 के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास जो है टेबल जारी होकर के आया है, जो कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों की ORoP 3 की टेबल आई है, जिसमें स्टैम्प्स भी आप देख सकते हैं, ORoP का सील भी लगा हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन 2024 PCDA के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। तो क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, क्या यहाँ पर जो टेबल आया है यही वो टेबल है जिसका आपको इंतज़ार था ORoP 3 का, क्योंकि चांदी ही चांदी होगी पेंशन भोगियों की, ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, क्योंकि आपको पता है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार जो है वो कितना बनने वाला है, कितना मिनिमम मैक्सिमम लगने वाला है 2024 में। 1 जुलाई 2024 से जो इफेक्टिव है ORoP 3, उसका भुगतान कब किया जाएगा, इसके ऊपर भी बड़ी खबर है। तो सब कुछ हम जानेंगे, सब कुछ परखेंगे, सब कुछ आपको बारीकी समझाएं। उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, बगल में एक छोटी घंटी है, इन दोनों को आप आज ही दबा लीजिए। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आपको न्यूज़ अगर चाहिए तो चैनल को आप दबा के रखिए, चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। चलिए देखिए, क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार रैंक वाइज या फिर हमारे जितने भी रिटायर्ड फौजी भाई है उनको इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 नहीं बल्कि इससे कम मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दिया है। साथ ही में मिनिमम और मैक्सिमम के लिए 2023 का बेस ईयर लिया जाएगा, जिसके आधार पर सबको फ़ायदा होगा, चाहे सिपाही हो या फिर हमारे JCO साहिबान या फिर ऑनरी कैप्टन, सबको फ़ायदा इस बार मिलने वाला है। तो रैंक वाइज फ़ायदा है, बैंक वाइज भी फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ ही में 31 तारीख को बोला जा रहा है कि PCDA अपना पूरा काम कंप्लीट करके अपना टेबल जारी कर देगा, तो आपको 31 तारीख यानी 31 अगस्त को बड़ी सौगात मिल सकती है। उसके ऊपर कोई अपडेट होगी चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद, जय भारत।